अगला प्रश्न है, एक हीटर 110 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़े होने पर 5 एम्पीयर की धारा खींचता है, ठीक है ना। यानी एक हीटर अगर मान लो 110 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा तो 5 एम्पीयर की धारा वो खींचेगा। अगर उसको 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा, ठीक है ना। एक कंडीशन आपको दे दी, दूसरी कंडीशन आपको इसने दे दी है वो ज्ञात करनी है दिए गए मान। देखो अब धारा 5 एम्पीयर है, विद्युत धारा है, उसको हम I1 लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं हम इसको I1? ऐसे हम केवल I लिख सकते थे, लेकिन हमको विद्युत धारा एक और ज्ञात करनी है। तो ये I1 हो गई जो दी गई है, और I2 हमको ज्ञात करनी है। विभव का मान 110 वोल्ट है, ये V1 हो जाएगा, और एक दर का हमको 220 वोल्ट, ये हो जाएगा V2, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार जो है ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो हमें ज्ञात करना है I2, हमें ज्ञात करना है I2 बराबर V2 बटा R, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे I बराबर V बटा R होता है, तो I2 बराबर V2 बटा R हो गया यहाँ पे। अब देखो V2 का मान हमको 220 वोल्ट यहाँ दिया गया है, लेकिन R का मान हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम R का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब R का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो मान दिए गए हैं I1, V1 और ये R, ठीक है ना। तो I1 हमारे पास में है, V1 हमारे पास में है, हम इससे R निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या, देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो है I2 हमें ज्ञात करना है, V2 हमको दिया हुआ है, और R भी ज्ञात करना है। तो एक ही मान तो हमारे पास में है, और इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो है दो मान जो है I1 और V1 हमारे पास में है, ठीक है। अब R का फॉर्मूला हो जाएगा V1 बटा I1, ठीक है। V1 का मान 110 और I1 का मान 5, ठीक है। ये आ जाएगा 22 ओम, ये मान आ गया, R का मान आ गया, ठीक है। तो हमें R का मान ज्ञात करना था, क्योंकि अब ये जो R का मान है वो हम यहाँ इसमें लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अभी हमने एक स्टेप पूरा किया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है आपको, है नहीं, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है, वापिस इसको रिवाइंड करिए और जाकर के देखिए। तो अब देखो, अब हम I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में I2 बराबर V2 बटा R है। अब V2 का मान हमारे पास में है, R का मान है, V2 का मान है 220 और R का मान है 22। सिंपल सा है, भाग दिया हमने, I2 का मान आ गया 10, ठीक है, 10 एम्पियर, ये आ गया I2 का मान 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पहले प्रश्न किए उससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो इस तरह से आगे हम इसमें और बढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।